नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबका सॉल्यूशन में। जैसा कि आप जानते हो, इसमें दोस्तों सभी तरह के आपके कोई भी तरह की टेक्निकल या एजुकेशनल या स्पिरिचुअल जो भी समस्या है उसका सबका सॉल्यूशन एक ही चैनल पर किया जाता है। अलग अलग प्लेलिस्ट की लिस्ट हमने दे रखी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज़रूर देखें आप सभी तरह की। और आज मैं आपके लिए समग्र शिक्षा में सीधी भर्ती इंटरव्यू के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में लेकर आया हूँ, जिसमें पद कितने हैं, योग्यता क्या है, इंटरव्यू कैसे होगा और आवेदन में कहाँ से करना है और क्या क्या चीज़ें चाहिए, पूरी संपूर्ण जानकारी जो है। और डेट क्या है, इसकी अंतिम डेट है, नोटिफिकेशन जारी कब हुआ, कब से डेट शुरू है, सारी जानकारी आपको एक ही चैनल में स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने ज़्यादातर दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप, इंस्टा पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें 1.5 महीने के अंदर आपने हमारे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हमारे 1-2 दिन के अंदर चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि समग्र शिक्षा में सीधी भर्ती क्या है, इसमें बिना परीक्षा दिए आप सीधे इंटरव्यू से कैसे जा सकते हो। तो चलिए आपको सीधे नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। तो यह है राजस्थान इक्सुल शिक्षा परिषद का जो है नोटिफिकेशन, ये 13/9/2022 को जारी हुआ है। आप इसमें देख सकते हो, राजस्थान में समग्र शिक्षा के तहत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक निदेशक यानी प्रधानाचार्य के समकक्ष पद या अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में सहायक परियोजना समन्वयक प्रधानाचार्य के समकक्ष है और कार्यक्रम अधिकारी व्याख्याता के समकक्ष पद है। ये कुछ एक पद है जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ये भी प्रधानाचार्य के समकक्ष पद है और संदर्भ व्यक्ति यानी जो RP होता है उसकी व्याख्याता के समकक्ष पद है। तो इस प्रकार के 4-5 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपको कोई भी तरह की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप इंटरव्यू पर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए इसमें क्या योग्यता है, कब से शुरू हो रहा है, आगे पढ़े तो देख सकते हो आप। शिक्षा संकुल द्वारा ऑनलाइन इंटरव्यू दिनांक 6/10 यानी 6 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, जिसमें यह ऑनलाइन है, आपको व्यक्ति स्पेस होने की ज़रूरत नहीं है, ये बात खास ध्यान रख लें आप। और आगे है जिला ब्लॉक एवं पदावेक्षक रिक्तियों साक्षात्कार तिथि तथा दिशा निर्देश के विवरण की वेबसाइट यह है, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। इस वेबसाइट पर कैसे जाना है, कैसे आपको आवेदन करना है, संपूर्ण जानकारी चलो आज के वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको आगे बता दें कि इसमें पद योग्यता क्या क्या है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या योग्यताएँ और क्या क्या शर्तें हैं, आप ज़रूर पढ़ लें। पहली जो शर्त इसमें है, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग द्वारा 24/5/18 के द्वारा परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनांक 8/8 और 24/9 के द्वारा ब्लॉक शिक्षा एवं सभागार के कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत करके जो है पद स्वीकृत कर पद की योग्यता निर्धारित की, अतः पदों की योग्यता उक्त आदेशों के अनुसार होगी। इन पदों की योग्यता के बारे में बताया गया है। दूसरा देखिए, आप साक्षात्कार आयोजित किए जाने वाले रिक्त पदों का विवरण एवं साक्षात्कार संबंधी अन्य जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तीसरा है, सभी पदों हेतु आवेदन राजस्थान शिक्षा विभाग के सलाह दर्पण पोर्टल के स्टाफ विंडो के माध्यम से स्वयं की लॉगिन ID से। तो खासकर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तीसरा दोस्तों, आपको आवेदन करने के लिए किसी भी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने शाला दर्पण स्कूल के NIC कोड के जो शाला दर्पण है उससे नहीं जाकर आप अपने पर्सनल स्टाफ विंडो से, स्टाफ लॉगिन से आप जो है इस पर आवेदन कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो ये बात खास है कि ये शाला दर्पण से आवेदन होगा इंटरव्यू के लिए, आपको कहीं भी किसी वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं है। चौथा है, आवेदनकर्ता सूचना शाला दर्पण के प्रपत्र 10 से अपना आप ले जाएगी, यानी आपको कोई सूचना नहीं भरनी है, आपको अपना सिर्फ प्रपत्र 10 जो है वो शाला दर्पण पर अपडेट कर लेना है। ध्यान रखें, अगर ये अनलॉक है प्रपत्र, उसको लॉक है, अगर उसको अनलॉक करवाना है तो आपको PO से संपर्क करके तुरंत इसको अनलॉक करा के आपको प्रपत्र 10 कंप्लीट भर देना है और उसको अपडेट करने के बाद आपकी जानकारी सारी चीज़ें वहाँ से ले ली जाएगी, आपको उसमें कुछ नहीं भरना होता है। पांचवा है, आवेदन द्वारा त्रुटिगत आवेदन भर जाने पर आवेदन को निष्क्रिय करने की अंतिम तिथि तक समय से पूर्व पुनः आवेदन किया जा सकता है। अगर आपने गलत आवेदन भर दिया तो उसको डिलीट कर दें, डिलीट का वहाँ पर ऑप्शन है और आप वापस भर सकते हैं आवेदन। छठा है, अभ्यर्थी द्वारा शाला दर्पण पर आवेदन करते समय OTP शाला दर्पण पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगी, यानी आप OTP से इसका आवेदन कर सकते हैं, प्रपत्र 10 के माध्यम से आपको कोई भी जानकारी वहाँ नहीं भरनी है। सातवा है दोस्तों, आवेदन की दिनांक 17/9 से 24/9 को रात्रि 12 बजे तक है, तो ये इसकी दिनांक है, आप ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आवेदन कब कब कर सकते हैं। अगला है, उपसमन पदों की रिक्तियों की संख्या कमी वर्दी अधिकार साझी निर्देशन परियोजना, ये सारे इसका अधिकार जयपुर के अधीन सुरक्षित रहेगा। तो
तो ये कुछ अधिकार है। तो पद कितने हैं मैं अभी आपको वो भी बताने वाला हूँ, क्या क्या पद है वो बता दिया। विज्ञप्ति में प्रकाशित सभी पद प्रतिनियुक्ति है जो कि राज्य सरकार के अधीन शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को भरे जाएंगे। तो खासकर बात यह है कि ये समग्र शिक्षा हम जो भी ले रहे हैं उसमें सिर्फ शिक्षक ही फॉर्म भर सकते हैं, यानी जो शिक्षा विभाग में लगे हुए कार्मिक है केवल वही जो है इसमें भाग ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, बाकी अन्य आम आदमी इसमें नहीं कर सकते। परियोजना कार्यालय में प्रदेश सभी कार्मिकों का कार्यकाल न्यूनतम एक वर्ष का होगा, जिसे नियमानुसार 4 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी इसमें जो भी वैध अधिकारी लगेगा उसमें 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक वो रह सकता है, उसके बाद में वो जो है उसको हटा दिया जाएगा उस पद से। 11वां है स्वेच्छा ग्रामीण, राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण 2011 सेवा के तहत कार्यरत कार्मिक आवेदन के पात्र नहीं होंगे, यानी ग्रामीण सेवा के तहत जो शिक्षा विभाग के अन्य हैं या प्रबोधक है वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। 12वां वेतन भय चयनित आशार्थियों को पात्री वेतन श्रृंखला पद ही दे होगा, यानी केवल पद मिलेगा, वेतन आपको वही दिया जाएगा जो अभी आपको मिल रहा है जिस पोस्ट पर आप हो, यानी आप सिर्फ पात्री वेतन श्रृंखला में आओगे। पात्री वेतन का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको सिर्फ पोस्ट मिलेगी, आपको वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता जरूर मिलेगा, अलग तरह के भत्ते जरूर मिलेंगे। 13वां है अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात मूल विभाग में न्यूनतम 1 वर्ष की उपशमन अवधि होनी चाहिए, यानी वापस आपको जब से रिलीव किया 4 साल बाद इसमें से रिलीव किया जाएगा तो वापस आपको कम से कम 1 साल आपको मूल पदस्थापना में कार्य करना होगा, उसके बाद आप वापस इस प्रकार की भर्तियों में आवेदन कर सकते हो। 14वां माननीय न्यायालय का आदेश के अधीन कार्यरत कार्मिक को पद विरुद्ध चयन प्रक्रिया नहीं की जाएगी, यानी कि इसका मामला कोर्ट में है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। 15वां है अभ्यर्थी के विरुद्ध वर्तमान में कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जाँच चल रही है तो वो भी इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। 16वां है साक्षात्कार के माध्यम चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के दर्शाए गए समस्त मूल दस्तावेज संबंधित कार्यक्रम के समय प्रस्तुत कर, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन आवेदन के समय डालते हो वो सारे उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको नियुक्ति के टाइम वहाँ पर दिखानी होगी। 17वां किसी प्रकार की न्यायिक विवाद का क्षेत्र का जयपुर जिले के न्यायिक क्षेत्र को होगा, यानी आपके कोई विवाद होगा तो न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा। आवेदनकर्ता की दिनांक 30/9/22 को आयु 57 वर्ष से अधिक नहीं, यानी इसमें न्यूनतम आयु का कोई क्राइटेरिया नहीं, अधिकतम आयु आपके 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है सभी पदों हेतु अभ्यर्थी को कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कंप्यूटर का RSC IT कोर्स लगभग सबको करवा दिया है सरकार ने। 20वां है अभ्यर्थी द्वारा आवेदित इच्छित जिला ब्लॉक के अतिरिक्त जिला प्रयोजन हेतु अन्यत्र प्रतियुक्ति की जा सकती है, यानी इच्छा के अलग भी की जाए। अब बात करते हैं इसमें आवेदन फॉर्मेट की, तो दोस्तों कुछ इसमें अभ्यर्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश है। कोरोना काल में सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, इंटरव्यू इसलिए ऑनलाइन होगा, इंटरव्यू माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से ऑनलाइन इंटरव्यू का आपको डेट दी जाएगी, वो सॉफ्टवेयर बता दिया जाएगा। समित अभ्यर्थी लैपटॉप डेस्कटॉप मोबाइल से माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके माध्यम से आपको जो है ऑनलाइन इंटरव्यू देने हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करे कि ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ पर्याप्त इंटरनेट स्पीड हो, विद्युत सप्लाई हो और कोई भी शोर शराबा बिल्कुल ना हो। अगला है सौम्य और शालीन वेशभूषा में अनुशासन में वहाँ पर आपको आना है ऑनलाइन, चेहरे पर स्थिर होकर फ्रेम अन्यत्र विस्थापित नहीं होनी चाहिए। ये कुछ इंटरव्यू विशेष है जो आपको विशेषताएँ हैं बता रखी है, निर्देश है उनको पढ़ लेना। अब है इस प्रकार कि आपको देखें, ये एक प्रकार का फॉर्म है, फॉर्म आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। उसमें ये फॉर्म का फॉर्मेट ये डिटेल आपको पहले से ही रख लेनी है, ये प्रपत्र 10 है कुछ नहीं है तो आपको बराबर है वहाँ मिल जाएगा। ये पंजीयन पत्र व्याख्याता के समकक्ष के लिए यह है, इस प्रकार का फॉर्म है, अलग अलग प्रकार के फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ। अब बात आती है पद की दोस्तों, तो 12 जिला में सहायक निदेशक के पद है, एक है बाड़मेर में भी एक, बीकानेर धौलपुर जैसलमेर झुंझुनू जोधपुर नागौर राजसमंद और सिरोही 10 जिले और 10 में एक एक पद है, टोटल अभी तक फिलहाल 10 पद है। अब वो शिक्षा संकुल जयपुर चाहे तो इसको पद को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों आप जो है हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल फेसबुक चैनल ट्विटर को ज़रूर फॉलो कर ले, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई समझ में नहीं आया या आवेदन करना समझ में नहीं आया तो मैं आपको स्टाफ कौन है इसका आवेदन की पूरी प्रक्रिया, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लें, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो कि इस RP पद के लिए या जो भी ये पोस्ट दे रखी है 10 इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।